शौक अगर जुनून बन जाए और जुनून मकसद, तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ऐसे इंसान को हासिल होने वाला मुकाम दूसरों के लिए मिसाल ही बनता है। बात तब और भी खास हो जाती है जब एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला इंसान महिला हो और ऐसी बुलंदी हासिल करे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। DLA वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इस वर्ष सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेटर सुश्री हेमलता काला के जीवन की कहानी यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए प्रेरणा है कि वो अपने बच्चों को खुले दिल से प्रोत्साहित करें जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहें। सुश्री हेमलता काला का जन्म आगरा में ही 15 अगस्त 1975 में हुआ। आज़ादी दिवस पर जन्मी हेमलता ने दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तिरंगा लहराया। पिता स्वर्गीय श्री ML काला मूल रूप से उत्तराखंड वासी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी होने के नाते आगरा में ही बस चुके थे। 4 भाई और 5 बहनों के बीच हेमलता 8वीं संतान थी। छोटी बेटी होने की वजह से घर में भाइयों और बहनों का भरपूर दुलार मिला। बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने के बजाय हेमलता को भाइयों और कॉलोनी के अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में ज्यादा मजा आता था। बड़े भाई ब्रजेश काला ये देख खूब खुश होते। ब्रजेश भी अपने समय के खासे क्रिकेटर रहे हैं जो कई प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखा चुके हैं। बहरहाल हेमा ने जब हंसी खेल में क्रिकेट का बैट थामा था, उस समय सोचा भी नहीं था कि यही बल्ला उन्हें कहां से कहां तक ले जाएगा। 5वीं कक्षा तक इंदिरा मॉन्टेसरी और उसके बाद जॉय हैरिस इंटर कॉलेज से पास होने के बाद हेमलता ने बैकुंठी देवी गर्ल्स कॉलेज से बीए किया। ये वो दौर था जब उड़न तश्तरी का खिताब हासिल कर चुकी एथलीट PT उषा की चर्चा दुनिया भर में थी। PT उषा को रोल मॉडल मानते हुए हेमलता ने भी एथलीट बनने के इरादे से 1990 में एकलव्य स्टेडियम में अपने कदम जमा दिए। 100 और 200 मीटर की रेस के साथ लॉन्ग जंप्स में हेमा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल भी हासिल किए। स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान उस समय क्रिकेट कोच रहे श्री MAK अफगानी हेमलता का प्रदर्शन देख बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हेमलता को एथलेटिक्स छोड़ क्रिकेट बैट थामकर मैदान में उतरने की सलाह दी। उस समय महिला क्रिकेट को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए हेमा को ये सलाह अटपटी तो लगी, लेकिन आजमाइशी तौर पर आपने हामी भर दी। शौक ने कब जुनून का रूप ले लिया, हेमलता को एहसास ही नहीं हुआ। अफगानी सर ने हेमा को स्टेडियम में पुरुष क्रिकेटर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भेजा। कदकाठी और फिजिकल फिटनेस क्रिकेट के अनुरूप ही थी। जल्द ही हेमा ने बल्लेबाजी के सभी गुर सीख लिए और गेंद को वो चौके छक्के के रूप में बाउंड्री तक पहुँचाने लगी। 1993 में हेमलता गुरप्यारी सत्संगी महिला क्रिकेट एसोसिएशन की सचिव बनी। उनके कार्यकाल में बल्केश्वर मैदान में महिला क्रिकेट मैच सीरीज का आयोजन हुआ, जहां से हेमलता ने प्रोफेशनल तौर पर अपने करियर का आगाज किया। मैदान पर बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें 51 रुपए नकद और उपहार स्वरूप एक लंच बॉक्स मिला। ये जीवन का पहला पुरस्कार था जिसे पाकर हेमलता के हौसलों ने उड़ान भरनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद प्रेम विद्यालय दयालबाग में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जहां लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों से टीमें आई थीं। पूरी सीरीज के दौरान हेमलता ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 शतक जड़े। फाइनल मैच में कानपुर से शिकस्त के बावजूद हेमलता ने सीरीज में बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब हासिल किया। इस सीरीज के बाद ही कानपुर में सिलेक्शन कैंप आयोजित हुआ और हेमा को UP टीम के लिए चुना गया। प्रदेश भर के अखबारों और खेल पत्रिकाओं में हेमलता ने सुर्खियां बटोरी। इसी साल इंग्लैंड में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और हेमलता को स्टैंड बाई के लिए चुना गया। इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद कानपुर में हुए अंडर 19 इंटर जोनल सीरीज में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें हेमलता ने सभी मैचों में नॉट आउट रहते हुए क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका दिया और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार हासिल किया। 1995 में वेस्टर्न रेलवे से खिलाड़ी कोटे में हेमलता का चयन हो गया और गंगापुर सिटी में क्लरिकल पोस्ट पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली और साथ ही रेलवे के लिए क्रिकेट खेलना भी जारी रखा।
यही वो साल था जब हेमलता का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए हुआ। 1999 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हेमा ने इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में अपना हुनर दिखाया। पहले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में ही हेमा ने एक छक्के के साथ 37 रन बनाए और इंग्लैंड को हराने में भारतीय टीम ने अपना योगदान दिया। 1999 से 2008 तक वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही और शानदार प्रदर्शन करते हुए लास्ट सीरीज खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तब से अब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग ले रही हैं। उनके जीवन के इस पूरे सफर में माँ बिंदेश्वरी देवी की भूमिका अहम रही, जिन्होंने हर कदम पर हेमा को प्रोत्साहित किया। आज भी जब वो थक हार कर घर लौटती हैं, तो माँ के लाड़ की बारिश में वो तरोताजा महसूस करती हैं। हेमलता के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए BCCI ने मार्च 2015 में उन्हें इस साल हो रहे वर्ल्ड कप के लिए नेशनल सिलेक्टर के पद पर चयनित किया। अपने क्रिकेट करियर के दौरान हेमलता ने कुल 78 वनडे और 7 टेस्ट मैच सीरीज और 2 बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। वे कहती हैं, राहें बनती गई और क्रिकेट ने मेरा हर सपना पूरा किया। वो खुद मानती हैं, उस जमाने से लेकर वर्तमान तक बहुत बदलाव आए हैं। अपने स्टेडियम में पहले लड़कियां दिखती तक नहीं थी, लेकिन अब शहर में चल रहे क्रिकेट कोचिंग कैंप्स में लड़कियों की अच्छी संख्या है। ये देखकर वो बेहद खुश होती हैं और दिल से सुकून महसूस करती हैं। नेशनल सिलेक्टर पद पर जिम्मेदारी पूर्ण करने के बाद वो खुद इन नई प्रतिभाओं को मांझने के काम में जुटेंगी। वो क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि ईश्वर की आस्था का जरिया और धर्म मानती हैं और वो अपना जीवन क्रिकेट के मैदान को समर्पित कर चुकी हैं।